वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एग्जिट पोल पर कहा, पीएम मोदी की विश्वसनीयता और विपक्ष के असली चेहरे को लोग जान गए हैं। देश ने पीएम मोदी को स्वीकारा और खटाखट फटाफट करने वालों को वापस भेज दिया। वहीं बिहार में हम पिछली लोकसभा चुनाव के नतीजों के करीब रहेंगे, यह कांग्रेस का नाटक है। वे 4 जून को भी यही करेंगे और ईवीएम खराब है ये जनता का फैसला नहीं है, ये ईवीएम का फैसला है। उन्हें सिस्टम और देश के लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता और विपक्ष के असली चेहरे को लोगों ने पहचान लिया कि ये परिवारवादी हैं, ये अपने अपने को बचाने के लिए आए हैं। और नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता जो गारंटी की विश्वसनीयता थी, और उससे भी ज्यादा जो 8% महिला का है, अब समझ लीजिए 8% महिला का है तो ये कितना बड़ा बोल हुआ है ज्यादे महिलाओं का। और महिलाओं का टोटल मोदी के साथ रहना, जुटना, मोदी पर भरोसा करना, ये मोदी देश ने मोदी को स्वीकारा और खटाखट पटापट को खटाखट भेज दिया। जो लोग कहते थे खटाखट फटाफट, सब खटाखट फटाफट, सबकी आवाजें अब बंद हो गई। जो कहते थे मैं लिख रहा हूं मोदी नहीं रहेंगे 4 तारीख को, मोदी से नफरत, देश के विकास को नकारना, देश की विश्वसनीयता को नकारना, ये दिखाता है। और मैं समझता हूं कि अब रिजल्ट 4 तारीख को आने वाली है, सारे सर्वे यही है 400 के पास।